घर में काफी एकदम दुख से भरा हुआ है और निमृत उसमें रो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निमृत एक्चुअल में नहीं रो रही, हम भी रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है, क्योंकि हमारे राणा साहब ने गलती से खून हो गया उनके हाथ से, तो जिसको मान ने बचाने की कोशिश की और वो उसको घर पर ले आया, क्योंकि मान राणा बेहोश हो गए हैं, तो मान उसको मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो मान को ये टेंशन हो जाती है कि ऐसी क्या वजह है जो इस पर गोलियाँ असर नहीं कर रही। तब निमृत बताती है कि इसने पहले आत्महत्या करने की कोशिश की, जो कि हम लोगों को नहीं पता था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए दुख का पहाड़ था कि हमारे बच्चे ने मतलब इतना ज़्यादा परेशान था कि वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से हम लोग बहुत दुखी हैं, और निमृत जो है वो उसको जाने नहीं दे रही थी क्योंकि बाहर पुलिस आ गई थी। उसका ये कहना था अगर ये पुलिस के साथ गए तो फिर वो जेल चले जाएंगे, और मान का ये कहना था कि अगर हमने इसको घर पे रखा तो ये किसी भी टाइम मर सकता है, इसमें अभी इतना बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो उस बात पे फिर मेरी और निम्रत से थोड़ा झगड़ा भी होता, और डीपी साहब भी निम्रत की तरफ है, तो एक होता है ना फैमिली में खुशी के मौके पर भी अक्सर दो गुट बन जाते हैं, वो कहते हैं नहीं उस होटल में, वो कहते हैं उस होटल में शादी करेंगे, या फिर दुख का भी होता तब भी हम लोग ये कहते हैं कि नहीं उस हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, दूसरा कहता है। तो इसी तरीके से हमारी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यही जो हमारे सीरियल की खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे राइटर लिखते हैं कि जो अक्सर फैमिलीज़ में होता है ऐसे टाइम पर जब हम बहुत पैनिक होते हैं तो उसमें सबकी राय अलग अलग होती है, तो वही हमारी अलग अलग राय है, राय थी। तो इस वजह से हम लोग राणा को ले गए हैं वो लोग पुलिस, और मानवी साथ में गए, और हम लोग यहाँ पे रो रहे हैं। इसमें हमने देखा कि मतलब पुलिस आई थी तो मान जी ने खुद उनको अंदर घुसाया कि मतलब आइए और लेके चलिए। हाँ, क्योंकि निम्रत और रिया और डीपी उसको नहीं ले जाने दे रहे, और तब मान को एकदम होता है कि अगर ज़्यादा देर हो गई तो राणा की जान जा सकती है, वो इस सिचुएशन को समझ रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर हैं, और ये लोग मान नहीं रहे, तो उसने सोचा कि इससे अच्छा यही है कि मैं पुलिस को बुला लूँ, तो पुलिस को कहकर फिर मैं इसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दे सकूँगा। इसलिए वो खुद पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं आप आओ और राणा को ले जाओ। तो अभी तो ये लोग जो मना कर रहे हैं निमृत और टीपी, ये तो कुछ नहीं कर सकते, और पुलिस आती है उनको ले जाती है। उनके जाने के बाद का सीन हम अभी कर रहे थे। रिया ने हमने देखा कि रिया ने दाराजी को भी बहुत मतलब सुनाया कि आपकी वजह से मेरे डैडी ने आत्महत्या करने की कोशिश की वगैरह वगैरह जो भी है एक्चुअली। हाँ, उसका कहना, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन ले चुकी है क्योंकि उसने डॉलर से शादी कर ली, और वो ऐसे घर में गई है जहाँ उसको पता चल गया कि तवलीन जो नया करेक्टर आया है जो डॉलर की दादी है वो बहुत सख्त है, और अब उसका वहाँ पे गुजर नहीं होगी और उससे गलती हो गई है, तो वो पछतावा तो है उसके अंदर, तो वो फ्रस्ट्रेशन अपना दर्जी पे निकाल रही है, वीर पे निकाल रही है, तो क्योंकि उसकी समझ बच्ची है। वीर को भी काफी सुनाया उन्होंने कि मेरे मम्मी डैडी ने आपको पाला पोसा, हाँ उस पे वीर का क्या रिएक्शन था? हाँ तो वो वीर को भी सुनाने लगी कि तुमने अगर ये मान नहीं आते तो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, तो मतलब उसकी वीर से शादी हो जाती और पापा भी मम्मी भी ठीक से दार्जी और बीजी के पास रह रहे थे, इनके आने से सब कुछ गड़बड़ हो गया, यही नाराजगी थी उसकी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.